हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा कोस ग्लो न्यू क्रीम के बारे में। तो मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल जानकारी अच्छी तरह से बताऊंगा कोस ग्लो न्यू क्रीम के बारे में, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना। तो एंड तक इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कोस ग्लो न्यू क्रीम के क्या बेनिफिट है, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, आप इसको सही तरह से यूज किस तरह से कर सकते हैं जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो गए। मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, ये सच में आपकी स्किन को गोरा बनाती है। तो ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जान लोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम आप जान लीजिए, मेरा नाम है रोहित, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कोस ग्लो न्यू क्रीम के बारे में। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कोस ग्लो न्यू क्रीम के बारे में। कोस ग्लो न्यू क्रीम वे हमारी स्किन के लिए बहुत सेफ माने जाने वाली एक क्रीम है। पहले आपको मैं बता देता हूँ क्रीम के बारे में। वे कोस ग्लो न्यू क्रीम 20 ग्राम की एक क्रीम है। वे 375 रुपीज़ में आपको वे अमेजन वो फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। वे आपको मेडिकल स्टोर पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पहले बात कर लेता हूँ इसके कार्टन बॉक्स बहुत अच्छी तरह से पैकिंग में आती हैं। वो वाइट कलर की निकलती हैं, वह बहुत अच्छी है जो आपको आपके लिए बहुत सेफ है। वे आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। वे आपके लिए आप किसी बैग व किसी जगह जाना चाहते हो तो आप इसको अच्छी तरह से भी लेके जा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ कोस ग्लो न्यू क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। आपको इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जानोगे तो आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो मैं बात कर लेता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन के लिए सेफ है उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आपको पहले बता देता हूँ इसके अंदर विटामिन ई है जो आपकी स्किन के लिए सेफ है। वे इसके अंदर आर्बोटिन है जो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे मायने जाने वाले एक लाइटिन जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मेलानिन को बिल्कुल कम करता है आपकी स्किन का। अब मैं बात करूँ इसके अंदर कोजिक एसिड है जो आपकी स्किन को बिल्कुल साफ करने में बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर निकोमाइसिन है जो आपकी स्किन को बिल्कुल ब्राइटनिंग बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मैंने इसका जो 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, ये इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स जो भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस क्रीम के बारे में। और तो ये आपके वे हाई पिगमेंटेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन बिल्कुल साफ कर देगा। आपके जो पुराने पुराने दाग धब्बे हो चुके हैं बढ़ती उम्र के साथ, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जो आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्किन को बिल्कुल लाइटिंग वे बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन करेगा, बिल्कुल साफ कर देगा ये क्रीम। ये क्रीम बहुत अच्छा क्रीम है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके यूज के बारे में, इसको किस तरह से यूज कर सकते हो जिससे आपकी स्किन बिल्कुल साफ वे बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो। और आप इसको सही तरह से यूज करेंगे तो आपकी स्किन पर जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके यूज के बारे में। आप इसको रात को सोते समय यूज कर सकते हो। किसी भी एक फेस वॉश आपकी स्किन को धो ले, उससे आपकी स्किन के पूरे दिन में जो आपकी स्किन पे किसी प्रकार के कौन से भी कीटाणु हो वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उसके बाद ये क्रीम आपकी स्किन पे बिल्कुल रब करना, जब तक इसको आप स्किन पे लगाना दोस्तों, जब तक आपकी स्किन का ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। एब्जॉर्ब होने के बाद आपको नाइट में सो जाना, उसके बाद आपको सुबह अच्छे शुद्ध जल से इसको आपको धोना है। और उसके शुद्ध जल से धोने के बाद आप इसको वह सन क्रीम का अगर आप उपयोग करते हो सुबह, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। वह आपकी स्किन जल्दी से जल्दी आपकी स्किन साफ होने स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इसके यूज के बारे में बात कर लिया है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बेनिफिट के बारे में। इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट है। आपकी स्किन का हाई पिगमेंटेशन अगर ज़्यादा आ चुका है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद, आपके हाई पिगमेंटेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आपको बताता हूँ आपके काले धब्बे हो चुके हैं, काले से काले वो बहुत पुराने धब्बे हो चुके हैं। पुराने केमिकल क्रीमों का आपने बहुत उपयोग करा है, उनके बाद फिर भी ये धब्बे नहीं जा रहे हैं, तो ये आपके धब्बे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वे आपको मैं बताता हूँ आपकी स्किन को बिल्कुल गोरा बनाने के लिए भी ये फायदेमंद हो सकती है, बिल्कुल साफ करने के लिए, लाइटिंग बनाने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके और एक बेनिफिट के बारे में। तो इसका बेनिफिट यह है कि आपकी स्किन की झुर्रियों को भी बिल्कुल हटाने के लिए काम में ली जाने वाली एक क्रीम आपकी झुर्रियाँ भी साफ कर सकती है, क्योंकि अंदर एक कोजी एसिड है और विटामिन ई है जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब मैं बता देता हूँ इसके बारे में, क्रीम के बारे में और। तो आप इसको बहुत फायदेमंद ये क्रीम है जिससे आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसका उपयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस क्रीम का उपयोग करना दोस्तों।
तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट्स अगर अच्छी तरह से इसका यूज करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, 4 या 2 दिन बाद आपकी स्किन पे अगर जलन जैसा महसूस होने लगे तब आप इस क्रीम को बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि ये आपको ऊपर साइड इफेक्ट्स दिखा रही हैं, तो इसको बिल्कुल बंद कर देना। अगर ऐसा दिखे तो आपको मोमेंटिंग जैसा स्टार्ट होने लगे तो भी आप इस क्रीम को बंद कर देना, लगाना। आपको मैं बता दूँ तब आप इसको लगाते हैं, उसके 5 या 10 मिनट बाद आपके पिंपल्स स्टार्ट होने लगे, धीरे धीरे रेड रेडिएशन होने लगे, तो बिल्कुल ये क्रीम लगाना बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि ये क्रीम का साइड इफेक्ट नहीं, ये आपके ऊपर सूट नहीं कर रही है क्रीम। तो मैंने आपको इसकी बिल्कुल जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब।